Radio Udaan presents a unique show for disabled world, Community Colors. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कम्युनिटी कलर्स में और मैं हूं ज्योति मलिक। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स को आप हर शुक्रवार रात 9 बजे से 10 बजे तक www.radioudan.com पर सुनते हैं और इस प्रोग्राम को YouTube पर भी सुना जा सकता है। इस प्रोग्राम में आपको वीकली डिसेबिलिटी न्यूज बताई जाती है, जॉब अलर्ट्स बताए जाते हैं और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेक्शन में हर बार होता है एक यूनिक टॉपिक आपकी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए, तो सुनना ना भूलें हर शुक्रवार रात 9 से 10 और पुनः प्रसारण हर शनिवार दोपहर 4 से 5। रेडियो उड़ान की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। स्टे अपडेटेड विद रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। समय हो। सदियों से इस धरती पे जीवन पनप रहा है और तभी से घटित हो रही हैं दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। अगर आप जानना चाहते हैं कुछ प्रसिद्ध दुर्घटनाओं के बारे में तो सुनिए शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स हर बुधवार रात 10 बजे और हर गुरुवार शाम 5 बजे सिर्फ रेडियो उड़ान पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं शिल्पा। हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक इंटरेस्टिंग कहानी, एक दिलचस्प किस्सा अपने इस शो में, जिसका नाम है यादें। यादें कुछ अनकही, कुछ अनसुनी, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज खो दी, लेकिन हाँ, उसने अपनी मेहनत से पाया भी बहुत कुछ। ये कहानी लिखी है प्रवाल पंत ने और इस कहानी का नाम है उजाला। एक छोटा सा प्यारा सा 6 साल का बच्चा नकुल, एक दिन जैसे ही वो सुबह अपने बिस्तर से उठा, घबराकर चिल्लाने लगा, मम्मी मम्मी जल्दी आओ, देखो मुझे क्या हो गया है। उसकी मम्मी रचना दौड़ कर आई और पूछा, क्या हुआ बेटा? नकुल ने हांफते हुए कहा, मम्मी मुझे चक्कर आ रहे, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसकी मम्मी रचना और उसके पापा सुरेश नकुल को लेकर हॉस्पिटल की ओर भागे। डॉक्टर ने नकुल का पूरा चेकअप करने के बाद उसके पेरेंट्स को बताया, देखिए आपके बेटे नकुल की आंखों की रोशनी किसी मेडिसिन के साइड इफेक्ट के कारण चली गई है और इसके वापस लौटने की भी कोई संभावना नहीं है। डॉक्टर की बातों ने नकुल और उसके पेरेंट्स को निराश कर दिया और वे बहुत दुखी हुए। दरअसल कुछ दिन पहले नकुल को बहुत तेज बुखार हुआ था और उसके पापा सुरेश ने गांव के ही किसी झोला छाप डॉक्टर से दवाई लेकर नकुल को खिला दी थी। उसी मेडिसिन की साइड इफेक्ट के कारण नकुल की आंखों की रोशनी चली गई थी। सुरेश इस बात के लिए अपने आप को कोसने लगा और मन ही मन अपने आप को नकुल की आंखों की रोशनी चले जाने का जिम्मेदार मानने लगा। आंखों की रोशनी चले जाने की वजह से नकुल डिप्रेशन में चला गया था। वो बाकी बच्चों से, अपने फ्रेंड्स से कटने लगा था। उनके सामने वो अपने आप को अच्छा फील नहीं करता था, अपने आप को हीन समझने लगा था। उसको उन लोगों के सामने आने में शर्म आने लगी थी। जब भी उसके फ्रेंड्स उससे मिलने आते वो कहीं छिप जाता। एक दिन सुरेश ने न्यूज़पेपर में एक स्कूल के बारे में पढ़ा जहां पर ब्लाइंड बच्चों को एजुकेशन दी जाती थी।
उन्होंने गूगल पे से उस स्कूल का नंबर निकाल लिया और वहां पर फोन करके अपने बेटे नकुल के बारे में सारी बातें बताकर नकुल के एडमिशन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले ली। उन्होंने बताया, आप अगले महीने की 15 तारीख को अपने बेटे नकुल को यहाँ लेकर आ जाना उसके इंटरव्यू के लिए, और साथ ही साथ उसके कपड़े और कुछ जरूरत का सामान भी साथ में लेकर आना। अगर नकुल का एडमिशन स्कूल में हो जाता है तो उसके पेरेंट्स को नकुल को स्कूल में ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 16 तारीख से न्यू सेशन शुरू होना है। नकुल ये सब जानकर कि ब्लाइंड होने के बाद भी वो पढ़ाई कर सकता है, सरप्राइज होने के साथ साथ बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो तो सोचकर ही बैठ गया था कि उसकी आंखों की रोशनी चली गई है तो वो आगे पढ़ाई नहीं कर पाएगा। रचना और सुरेश ने नकुल को इंटरव्यू के लिए तैयार करना शुरू कर दिया और नकुल ने भी एक्साइटेड होकर बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर याद कर लिए। रचना और सुरेश ने जैसे ही स्कूल में एंट्री की, वहां का माहौल देखकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। एक बड़ा सा घास का मैदान, उसमें बहुत सारे झूले लगे हुए, साफ सुथरी क्लासेस, एक सफेद रंग की बिल्डिंग और बाहर कुछ खेलते हुए बच्चे। उन बच्चों को देखकर दोनों बहुत खुश हुए और नकुल भी उन बच्चों की आवाज सुनकर एक्साइटेड हो गया। नकुल का इंटरव्यू अच्छा रहा और उसे स्कूल में एडमिशन मिल गया। रचना और सुरेश की आंखें नम हो गई जब वो नकुल को स्कूल में छोड़कर जा रहे थे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी नकुल को अपने से दूर नहीं छोड़ा था। नकुल भी उन्हें घर वापस जाता देख रोने लगा। तभी स्कूल की एक आया नकुल के पास आई और उसे बहलाने की कोशिश करने लगी। नकुल थोड़े ही दिनों में अपने जैसे बच्चों के साथ रहकर खुश रहने लगा और उसके मन से निराशा के बादल छटने लगे। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की और जब वो छुट्टियों में अपने गांव आया तो उसने अपने स्कूल के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में सभी को बताया। सभी गांव वाले उसकी पढ़ाई के बारे में जानकर सरप्राइज हो गए और खुश भी हुए, क्योंकि उन्होंने इससे पहले ब्लाइंड्स की पढ़ाई के बारे में सुना ही नहीं था, उनके लिए तो ये सब नया ही था। नकुल की बचपन की सबसे अच्छी फ्रेंड चित्रा भी उससे मिलने आई और उसके स्कूल के बारे में जानकर बहुत खुश हुई, बहुत एक्साइटेड हो गई। चित्रा के पेरेंट्स की डेथ बहुत पहले हो चुकी थी, वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी और अक्सर नकुल के घर अपनी चाची के साथ आया करती थी और नकुल के साथ खेला करती थी। जब भी नकुल घर आता तो चित्रा उससे मिलने जरूर आया करती थी। नकुल अपने साथ अपनी ब्रेल की बुक्स भी लाता था और टाइम मिलने पर पढ़ाई किया करता था। वो चित्रा की मैथ्स, इंग्लिश और अन्य सब्जेक्ट्स में भी हेल्प किया करता था। चित्रा को नकुल के साथ पढ़ाई करना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि नकुल पढ़ाई में बहुत तेज था और उसका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा था, और गांव में कोई और ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इतने अच्छे तरीके से समझा सके। इसी बीच नकुल ने अपनी 10वीं क्लास पास कर ली थी और उसने 85% मार्क्स सिक्योर किए थे। जब वो छुट्टियों में घर आया तो चित्रा उससे मिलने आई और उसे उसके अच्छे मार्क्स के लिए कॉन्ग्रेट्स किया। नकुल को चित्रा से बातें करके अच्छा लगता, क्योंकि वो उसकी बचपन की फ्रेंड थी। अपनी यंग एज के कारण नकुल चित्रा के लिए क्रश फील करने लगा। चित्रा भी नकुल को लाइक करने लगी थी और उससे मिलने का, उससे बातें करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। अब चित्रा ने भी अपनी 10वीं क्लास पास कर ली थी और उसने भी 65% मार्क्स सिक्योर किए थे।
तो दोस्तों, अब आगे क्या होगा इस कहानी में जानेंगे, पर इस सॉन्ग के बाद। Jail transfer application. Pen. तेरी एक छुअन से जागा ये कैसा एहसास, पहले तो महसूस हुई ना मुझको ऐसी प्यास। पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रब मैनु प्यार हो गया है दिल का करार खो गया है दिल का करार खो गया तेरी सोनी सोनी अखा मस्तानिया प्यार के लिए ये देंगी लाखों कुर्बानिया करके एक बार बलिए दिल गया हार बलिए रब मैनु प्यार हो गया है दिल का करार हो गया दिल का करार हो गया। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए रब मनु प्यार हो गया है दिल का करार हो गया है दिल का करार हो गया। पहली बार बलिए दिल गया हार
करार खो गया, बदलता दो जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक, बदलता दो जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। नकुल और चित्रा अक्सर फोन पर बातें करने लगे। एक दिन नकुल को चित्रा की आवाज सुनकर उसके उदास होने का आभास हुआ। नकुल ने पूछा, चित्रा क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो? चित्रा ने कहा, नकुल तुम तो जानते ही हो कि मेरे चाचा चाची की मजदूरी से बहुत कम आमदनी हो पाती है। उनके खुद के भी 3 बच्चे हैं, तो वो मेरी पढ़ाई के लिए और खर्चा नहीं कर पाएंगे। वो तो भला हो तुम्हारे फादर का, जो समय समय पर हमारी मदद करते रहते हैं। इस पर नकुल ने कुछ सोचकर कहा, मेरे स्कूल में एक एनजीओ वाले आते हैं जो गरीब स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, जो अच्छे मार्क्स लाते हैं। वो मुझे जानते हैं, मैं उनसे तुम्हारे बारे में बात करूंगा। चित्रा के अच्छे मार्क्स और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को जानकर एनजीओ वालों ने उसकी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए कह दिया। इसी वजह से चित्रा अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सके। इस घटना के बाद से चित्रा के मन में नकुल के लिए और प्रेम और ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ गई। चित्रा की पढ़ाई के लिए फाइनेंशियल हेल्प दिलाने में नकुल ने जो मदद की थी, उसको जानकर गांव वाले नकुल की कैपेबिलिटीज को स्वीकारने लगे। गांव के स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स नकुल के पास पढ़ाई के बारे में सलाह लेने आने लगे। गांव वालों के मन में नकुल के लिए इतनी रिस्पेक्ट देखकर चित्रा बहुत खुश होती। वो नकुल पर गर्व करने लगी। नकुल ने साइकोलॉजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी और अब वो जॉब के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगा। वो गांव के पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताने लगा, उन्हें प्रेरित करने लगा, जिससे उन लोगों के मन में भी नकुल के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती चली गई। जो पहले नकुल को उसकी ब्लाइंडनेस के कारण बड़े ही हिकारत भरी नजरों से देखा करते थे, इससे नकुल का भी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा और वो अच्छे राइटर्स की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स लाकर गांव में तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को देने लगा। चित्रा ने भी अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, लेकिन उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। वो नकुल से मिलकर उससे अपनी पढ़ाई के बारे में सलाह लेना चाहती थी। इसी बीच होली का त्योहार आ गया। नकुल इस अवसर पर अपने घर आया। चित्रा गुंजिया और नमकीन लेकर नकुल से मिलने आई और उसे होली की बधाई दी। नकुल को चित्रा का यूं मिलने आना, उसके लिए गुंजिया लाना बहुत अच्छा लगा। उस दिन नकुल ने चित्रा से बहुत सारी बातें की। चित्रा को भी उस दिन नकुल से बात करके एक प्यारा सा एहसास हुआ। चित्रा ने बड़े ही प्यार से नकुल के हाथ में गुंजिया देकर उसे खिलाई
और उससे नकुल के मन में चित्रा के लिए प्रेम की भावना और भी गहरी हो गई। थोड़ी देर बाद चित्रा नकुल से अपने करियर के बारे में सलाह लेने लगी। नकुल ने कहा, तुम बीएड की तैयारी करो क्योंकि लड़कियों के लिए टीचिंग लाइन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इससे फैमिली के लिए टाइम भी बहुत मिल जाता है और सैलरी भी ठीक ठाक है। वापस जाकर नकुल ने पोस्ट द्वारा चित्रा को बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स की बुक्स भिजवा दी। एक दिन नकुल ने चित्रा को फोन करके कहा, अगर तुम्हें कुछ समझ ना आए तो तुम मुझसे पूछ लिया करो। उस दिन के बाद से चित्रा अक्सर शाम के टाइम नकुल को फोन करके डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछा करती थी और नकुल कठिन से कठिन सब्जेक्ट को भी बड़ी सहजता के साथ समझाया करता था। उसका समझाने का तरीका चित्रा को बहुत पसंद आता था, जिसकी वजह से चित्रा खुद को नकुल के और करीब महसूस करने लगी थी। नकुल का हाल भी जुदा ना था। वो जितनी ज्यादा चित्रा से बातें करता उतना ही ज्यादा उसे चाहने भी लगा था। नकुल ने एमए में एडमिशन ले लिया था और साथ ही साथ जॉब के लिए भी तैयारी करता रहा। नकुल कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे चुका था। एक दिन वो हॉस्टल में पढ़ रहा था, तभी उसका फ्रेंड रमेश, जो उसका रूम पार्टनर था, उसके पास आया और कहा, नकुल ये देखो तुम्हारा लेटर आया है। नकुल ने वो लेटर लिया और अपने कंप्यूटर पर उसे स्कैन कर लिया और उसको जॉज के थ्रू, ये एक ब्लाइंड्स के लिए पढ़ने के लिए सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू पढ़ा और लेटर पढ़ते ही नकुल खुशी से उछल पड़ा। दरअसल वो लेटर आईबीपीएस द्वारा भेजा गया था, जिसमें नकुल को यूनियन बैंक में पीओ की पोस्ट मिल गई थी। नकुल ने तुरंत अपना बैग पैक किया और अपने गांव की ओर चल पड़ा। वो ये खुशखबरी अपने पेरेंट्स और चित्रा को अपनी मौजूदगी में देना चाहता था, ताकि वो उनकी खुशी को महसूस कर सके। अचानक से नकुल को घर पर देख उसके पेरेंट्स चौंक गए। जब नकुल ने बैंक में अपनी जॉब के बारे में बताया तो नकुल की माँ की आंखों में खुशी से आंसू भर आए और उसके पापा ने नकुल के सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। उसके पेरेंट्स ने लड्डू बांटते हुए ये खबर सारे गांव में फैला दी। ये खबर सुनकर चित्रा भी दौड़ती हुई आई। वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसका मन चाहा कि वो नकुल से लिपट जाए, लेकिन किसी तरह उसने अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया और नकुल को उसकी जॉब के लिए बधाई दी। उसे बहुत गर्व हो रहा था कि नकुल ने ब्लाइंड होते हुए भी बैंक में पीओ की जॉब ले ली है और हमारे यहाँ गांव के लड़के एक सिंपल सी जॉब भी नहीं ले पा रहे हैं। चित्रा की बधाई ने नकुल की खुशी को दोगुना कर दिया। अब उसके पास एक सम्मानजनक नौकरी और चित्रा दोनों ही थे, जिसका सपना वो अक्सर देखा करता था। नकुल ने सोचा, अब तो वो अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है, अब वो चित्रा के सामने अपने प्यार का इजहार आसानी से कर सकता है। लेकिन न जाने क्यों चित्रा के सामने जाते ही उसकी जुबान सूख जाती थी। उसको अपने ब्लाइंड होने का एहसास हो जाता था। वो मायूस होकर चुप हो जाता था और कुछ नहीं कह पाता था। चित्रा की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। गांव के माहौल को देखते हुए वो अपने प्रेम का प्रस्ताव एक ब्लाइंड लड़के के सामने कैसे रख सकती थी? लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे? वो तो नकुल का जीना ही मुश्किल कर देंगे। अपनी अपनी विवशताओं के कारण दोनों ही अपने मन की बात एक दूसरे को नहीं कह सके और बड़े ही भारी मन से चित्रा ने नकुल के घर से विदा ली। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है एक सॉन्ग की, फिर हम करेंगे कहानी को आगे कंटिन्यू।
नैब इंडिया यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इंडिया, इंडिया की सबसे पुरानी संस्था है जहां दृष्टिहीनों के लिए शिक्षा, रोजगार और पुनर्वसन की सेवा दी जाती है। नैब इंडिया पर संपर्क करने के लिए हमें ईमेल करें hsg@nabindia.info पर। आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 0226683837। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी ताना भी नहीं आता। हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं, मिटाते हैं, तुम्हीं से प्यार करते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं, तुम्हीं से ही क्यों छुपाते हैं। जुबां पे बात है लेकिन सुनाना ही नहीं आता। हमें तुमसे मोहब्बत है, बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। चोरी चोरी चुपके चुपके तुमको देखा करते हैं, हाले दिल सुनाने से ना जाने क्यों डरते हैं, ना जाने क्यों डरते हैं। कितना पागल दिल है मेरा, मनाना भी बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। बेटा आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है, प्लीज बेटा मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा,
मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। अगर चोट आसानी से लगे तो मदद भी आसानी से मिलनी चाहिए, इसलिए अब से सावलॉन की बोतल आती है नेत्रहीन सहायक ब्रेल मार्किंग के साथ। एक हफ्ते बाद नकुल भोपाल अपनी बैंक में जॉब ज्वाइन करने चला गया। ये जॉब ज्वाइन करके उसे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आत्मनिर्भरता ने उसका आत्मविश्वास बढ़ा दिया था। इतनी शानदार उपलब्धि के बाद भी वो चित्रा से अपने प्यार का इजहार ना कर पाने और उससे बिछड़ जाने के बारे में सोचकर बेचैन हो गया और उसे अपने जीवन में एक अधूरेपन का एहसास होने लगा। नकुल के फ्रेंड्स उसे जॉब के लिए कॉन्ग्रेट्स करने के लिए फोन कर रहे थे, लेकिन नकुल बड़ी धीमी आवाज में सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए हाँ हूँ ऐसे कहकर उनका रिप्लाई कर रहा था। नकुल को तो सिर्फ और सिर्फ चित्रा के फोन का ही इंतजार था, लेकिन चित्रा का फोन ना आने की वजह से वो उदास हो गया। शाम को बैंक से घर लौटकर चित्रा के फोन की आस में नकुल मोबाइल अपने पास रख कर लेट गया और न जाने कब उसकी आंख लग गई। नकुल की मां रचना अक्सर नकुल को फोन करके उसके हालचाल के बारे में पूछती रहती थी और गांव के हालचाल के बारे में भी बताती रहती थी। एक दिन बातों बातों में उन्होंने नकुल को बताया कि चित्रा का रिश्ता तय हो गया है। ये खबर सुनकर नकुल दुख के गहरे सागर में डूब गया। उसकी नींदें उड़ गई, उसकी भूख प्यास उड़ गई, वो बेचैन रहने लगा। एक दिन नकुल ने चित्रा को फोन करके सीधे अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, लेकिन चित्रा ने उससे सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही बातें की और कुछ नॉर्मल बातें की। चित्रा के बिहेवियर ने उसकी रही सही उम्मीदें भी तोड़ दी थी। वो सोचने लगा कि ब्लाइंड होने की वजह से शायद चित्रा ने मुझे अपने लायक नहीं समझा होगा। हाँ, अब तो वो बीए कर रही है तो शायद उसके मन में कोई अच्छा सा लड़का होगा जो उसे बाइक पर बैठा कर घुमाए। नकुल रियलिटी को एक्सेप्ट करने की और चित्रा को भूलने की कोशिश करने लगा। वो सोचने लगा कि हाँ, एक ब्लाइंड और साइटेड में फ्रेंडशिप तो हो सकती है, लेकिन वो कभी एक रिश्ते में नहीं बंध सकते। अब नकुल की जॉब को 6 महीने हो चुके थे, वो नए शहर में ढल गया था, अपने कलीग्स और फ्रेंड्स के साथ में बहुत ही आराम से अपनी लाइफ को जी रहा था। एक दिन नकुल की माँ रचना का फोन आया। उन्होंने कहा, बेटा अगले महीने दिवाली है, तब तुम घर आना, हमने तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की देखी है, उम्मीद है वो तुम्हें भी पसंद आएगी। माँ की बातों ने नकुल के जख्म को फिर से हरा कर दिया, वो चित्रा की यादों में खो गया। उसने बस इतना ही कहा, ठीक है मैं दिवाली पर तो वैसे भी घर आता। उस दिन नकुल बहुत दुखी हुआ, उसने खाना तक भी नहीं खाया। नकुल ने कई बार चित्रा को फोन करके उससे बातें की, लेकिन चित्रा की तरफ से कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड ना पाकर नकुल बहुत मायूस हो गया। अब उसने अपनी ओर से पूरी तरह से हथियार डाल दिए थे, यानी उसकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थी।
फाइनली उसने डिसाइड कर लिया कि वो अपने पेरेंट्स की पसंद को ही पसंद कर लेगा। नकुल बिना किसी एक्साइटमेंट के दिवाली पर अपने घर पहुंचा। घर पर दिवाली के कारण खुशी का माहौल था, लेकिन नकुल के मन में तो सिर्फ विचारों का तूफान ही चल रहा था। वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को नॉर्मल करके अपने रिश्तेदारों और गांव के लोगों से बातें कर रहा था। नकुल की माँ रचना ने उसके सामने दिवाली पर बनाए सारे पकवान रख दिए, पर नकुल को उनमें कोई टेस्ट नहीं आया, जिन्हें पहले नकुल बड़े ही चाव से खाया करता था। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन नकुल को लड़की देखने जाना था। पिछली रात नकुल बेचैन होकर सो नहीं पाया था। वो तो सिर्फ उस लड़की के बारे में ही सोच रहा था, अलग अलग कल्पनाएं कर रहा था। फिर सोचा, शायद ये लड़की चित्रा से भी बहुत अच्छी हो, मुझे उसके बारे में पहले से ही कुछ सोचकर नहीं रखना चाहिए। लड़की को मंदिर में दिखाना तय हुआ था, इसलिए दोनों तरफ से लड़के और लड़की वाले मंदिर में पहुंच गए। नकुल के पेरेंट्स और रिश्तेदारों ने लड़की के पेरेंट्स और रिश्तेदारों से बातें की और आखिर में बातें करके अपनी सहमति जता दी। तब नकुल की माँ रचना ने कहा, तो ठीक है, अब लड़का लड़की को भी बातें करने का मौका दे देते हैं। दोनों एक दूसरे से बातें करेंगे तो एक दूसरे के विचारों को भी जान जाएंगे। सभी लोग कमरे से बाहर चले गए थे। नकुल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहां से और कैसे बातें शुरू करे। लड़की के कुछ ना बोलने पर नकुल घबरा गया और झिझकते हुए बोला, क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? क्या आपको इस शादी से कोई प्रॉब्लम है? नकुल बड़ी बेसब्री से उसके जवाब का इंतजार करने लगा। लड़की कुछ देर तक चुप रही। नकुल समझ गया कि लड़की इस शादी से खुश नहीं है, वो किसी मजबूरी के कारण उससे शादी कर रही है। तभी कुछ देर बाद एक धीमी और शर्माती हुई आवाज ने नकुल के विचारों पर रोक लगाई। मुझे भला इस शादी से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? मैंने जो कुछ भी थोड़ी बहुत पढ़ाई की है वो सिर्फ आपकी हेल्प और आपकी गाइडेंस की वजह से ही की है। आप जैसा समझदार जीवन साथी मिले, मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मुझे माफ कर दीजिए, ये रिश्ता तय होने पर मैंने आपको कुछ नहीं बताया और आप मेरी वजह से मेरे बारे में सोच सोच कर परेशान होते रहे। आपके बारे में आपकी मम्मी मुझे बताती रहती थी। आज से 6 महीने पहले जब आपके मम्मी पापा ने आपसे मेरा रिश्ता तय किया था, तब उन्होंने मुझे आपसे बात न करने और इस रिश्ते के बारे में कुछ भी बताने से सख्त मना किया था। आपके फोन करने पर मैं चाहते हुए भी आपसे कुछ ना कह सकी, आपको कुछ ना बता सकी। ये कहते हुए चित्रा ने अपनापन और अपना प्यार जताते हुए नकुल का हाथ पकड़ लिया। नकुल के मन पर जो दुख और बेचैनी के घने काले बादल छाए हुए थे वो छट चुके थे। उसके जीवन में आशा की किरण फैलने से चारों ओर उजाला ही उजाला हो गया था। जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या 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 करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता खलता चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radiouran.com। Subscribe our YouTube channel RADIO UDAAN. Stay tuned, keep listening, Radio Run.
इस कहानी से ये तो प्रूफ हो गया है कि मैरिज करने के लिए एक अच्छे जीवन साथी की जरूरत होती है, एक अच्छे हम सफर की जरूरत होती है। उसकी विकलांगता कोई मायने नहीं रखती है। एक रिश्ता निभाने के लिए दोनों की सोच मिलनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की क्वालिटीज को जाने, एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करें, और क्या चाहिए। आशा करती हूँ आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे इजाजत दीजिए, मिलेंगे अगले मंगलवार शाम 7 बजे एक और प्यारी सी कहानी के साथ। और आप सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। सपने सभी तेरे मेरे सपने सभी बंद आंखों के ताले में चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्याले में फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं मैं तेरे काबिल सभी बंद आंखों के ताले में चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्याले में फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल शरारतें ये मस्तियां अपना यही अंदाज है हो समझाए क्या कैसे कहें जीने का इसमें राज है धड़कन कहां ये धड़कती है दिल में तेरी आवाज है अपनी सब खुशियों का अब तो ये आगाज है उड़ती हूँ जैसे
जैसे तितलियां सब बंद आंखों के ताले में चाबी कहाँ ढूंढे बता वो चांद के प्याले में फिर भी सपने कर दिखाऊं सच तो कहना बस यही मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल मेरा नाम चंदन दास और आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान बहुत बहुत शुक्रिया फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com डाउनलोड अवर ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर एंड डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड सब्सक्राइब टू अस ऑन अवर यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान यार सुमित एक बात पूछूं? हाँ पूछो तुम्हारे सारे फ्रेंड्स स्टिक यूज करते हैं पर तुम क्यों नहीं करते यार मुझे स्टिक के साथ चलना बहुत अटपटा लगता है और लुक भी तो बिगड़ जाती है ना अपनी अच्छा मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता तुम एक मिनट यहीं रुको मैं जरा अपनी इंस्टॉलमेंट पे करके आती हूँ और कहीं जाना मत यहाँ से ठीक है हेलो श्रेया हाँ सुमित यार कितना समय हो गया कहाँ हो तुम माय गॉड आई एम सो सॉरी सुमित मुझे मेरी एक फ्रेंड मिल गई मैं उसके साथ निकल गई मैं भूल ही गई थी कि तुम मेरे साथ थे काश कि आपने सही समय पर केन का इस्तेमाल सीख लिया होता तो आज हालात ऐसे न होते इसीलिए दोस्तों कीजिए केन से दोस्ती क्योंकि नो केन नो गेम जर्रे में दीदार आया है बे
बेहद और बेशुमार आया है। आज भी तुम पे प्यार आया है, आज भी तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेशुमार आया है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ। आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मन के दिल का गा, मैं कहीं का नारा क्या कहूँ मैं दिलरुबा। बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं,
तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फेरा नाज़नीनों से मैं तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर मिल गया दर्द जिगर सुन जरा बेखबर जरा सा हंस के जो देखा तूने मैं तेरा बिस्मिल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया संभालो मुझको मेरे यारो संभलना मुश्किल हो गया गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया सा है